नमस्कार दोस्त। तो भाई काफी सारे लोग सवाल करते हैं कि भाई आप मुझे ये बताओ कि हम खुद से कैसे पता करेंगे कि हमारा मोबाइल फोन हैक हुआ भी है या नहीं। यानी कि मान लो अगर मेरा मोबाइल फोन हैक हो जाता है तो उस सिचुएशन में हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा मोबाइल फोन हैक हो चुका है या नहीं। तो दोस्त आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 2022 में ये बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि आपका मोबाइल फोन वाकई में हैक हुआ है या नहीं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और साथ ही नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग अपने डेली लाइफ में बैंकिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अपडेट, किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन या फिर किसी भी प्रकार का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो भी फ्री में घर बैठे, तो आप लोग एक बार सुमित एक्सेस के चैनल को जरूर विजिट कीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ढेर सारी नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिल जाएगी, जो कि बैंकिंग से रिलेटेड ही सारी वीडियो मिलेगी। सो एक बार जरूर से जरूर आप लोग विजिट कीजिए, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज डिसलाइक करना भी मत भूलना, पर विजिट जरूर कीजिए। बात करते हैं मेन मुद्दे की। तो दोस्तों काफी सारे लोग आजकल सवाल कर रहे हैं कि भाई हम 2022 में कैसे पता करें कि हमारा मोबाइल फोन किसी ने हैक भी किया है या नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों वैसे तो मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पर वीडियो बना रखा है कि आपका मोबाइल फोन हैक हो जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा, लेकिन काफी सारे लोग अभी भी है जिनको अभी तक ये मालूम नहीं हुआ है कि अगर मेरा मोबाइल फोन हैक हो जाएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो वो लोग आज इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपको नोट कर लेना है, अपने माइंड में कर लीजिए या फिर किसी डायरी में या फिर फोन में कर लीजिए, लेकिन कर लेना है। इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल फोन वाकई में हैक हुआ भी है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट की। उसके लिए आपको डायलर पैड में चले आना है, यानी कि डायलर पैड को ओपन कर लेना है और यहाँ पर नंबर टाइप करना है *#62#। आप इस नंबर को नोट कर लीजिए *#62#, और इस कॉल वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और देखिए यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा, कॉल फॉरवर्डिंग वॉइस नोट फॉरवर्डेड। इस तरीके से आपको पॉपअप मैसेज आ जाएगा, और अगर यहीं पर आपको ये लिखा हुआ आ जाता है कि आपका जो वॉइस है यानी कि कॉल फॉरवर्डिंग है वो फॉरवर्ड हो रहा है किसी अदर नंबर पर, तो आप समझ जाना कि आपका मोबाइल फोन पूरी तरह से हैक है। यानी कि आप जो भी बातें करते हो, जिससे भी बातें करते हो, चाहे वो आपकी GF हो या फिर आपका कोई पर्सनल व्यक्ति हो या फिर जो भी हो, जिससे भी आप जितना बजे बातें करते हो, रात हो या दिन हो, सब कुछ दूर बैठा इंसान सुन रहा है, पता कर रहा है कि आप किससे क्या क्या बातें करते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट, इसको आप नोट कर लेना और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर टू की। देखिए दूसरे पॉइंट में क्या होता है, अधिकांश लोग या फिर अधिकतर ऐसे हैकर्स होते हैं जो आपको आपके ही मोबाइल फोन में कोई ना कोई स्पायवेयर, मालवेयर या फिर कोई ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड करवा देते हैं जो आपको पता नहीं चलता, ठीक है। लेकिन वो एप्लीकेशन बहुत बड़ी बड़ी काम करती है, जैसे कि आप किससे क्या बातें करते हो, आप व्हाट्सएप पर किससे क्या चैटिंग करते हो, कितने बजे चैटिंग करते हो, सब कुछ, ठीक है। यहाँ तक कि आप जो वीडियो कॉल करोगे व्हाट्सएप पर, उसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के उस हैकर्स के पास सेंड कर देगा, उस हैकर्स के सर्वर पर जिन्होंने आपको फंसाया है अपने जाल में, ठीक है। तो अगर आप भी पता करना चाहते हैं कि आप कैसे पता करेंगे कि वो ऐप कौन सा है, कहां पर मिलेगा, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको यहां पर दिखेगा नहीं, ठीक है, आपको होम स्क्रीन पर वो ऐप नहीं दिखेगा, मुझे पता है, यहां पर आप देख लीजिए, अगर दिखता है तो आप उसे तुरंत के तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए, लेकिन शायद ही आपको यहां पर दिखेगा, क्योंकि उस ऐप को हैकर्स हाइड कर देते हैं आपके ही मोबाइल फोन में। ये आपका दोस्त भी हो सकता है या फिर कोई भी आपके आसपास का रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आप पता करना चाहते हैं कि वो ऐप कौन सा है, तो सिंपली आपको यहाँ पर सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेटिंग्स फॉर गूगल एप्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है आपको कनेक्टेड एप्स का दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर कोई ऐसा ऐप दिखता है आपको जो
आपसे अनजान हो, यानी कि आपने कभी भी उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल किया ही नहीं था, लेकिन फिर भी आपके मोबाइल फोन में वो एप्लीकेशन दिख रहा है, तो इसका मतलब समझ जाना कि आपका मोबाइल फोन कोई और कंट्रोल कर रहा है दूर बैठे, ठीक है। तो आप उस एप्लीकेशन को फटाफट डिस्कनेक्ट कर देना, यानी कि अनइंस्टॉल कर देना। जैसे कि मान लो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डिस्कनेक्ट का ऑप्शन है, तो मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा, लेकिन अभी कोई ऐसा एप्लीकेशन मेरे मोबाइल फोन में नहीं है जो हमसे अनजान है। तो इसी तरीके से आप पता लगा सकते हैं, ठीक है दोस्त। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड की। तीसरे पॉइंट में आपको ध्यान देना है कि आप जो मोबाइल में काम कर रहे हो वाकई में वही काम हो रहा है या फिर ऑटोमेटिक मोबाइल काम कर रहा है। मेरा मतलब कि मान लो आप अपने मोबाइल फोन में कैमरा ओपन किए, ठीक है, तो आप देखना कि कैमरा ओपन हुआ भी है या फिर कोई और एप्लीकेशन ओपन हो गया, यानी कि आपने किया कैमरा ओपन लेकिन हो गया क्रोम ब्राउजर ओपन, या फिर आपने किया क्रोम ओपन तो हो गया कैमरा ओपन। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाना कि आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान देना, ऐसा जरूरी नहीं है अगर आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक काम कर रहा है तो ऐसा मत 100% समझ जाना कि आपका मोबाइल फोन हैक ही हुआ है। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपका मोबाइल फोन हैंग कर रहा हो, ये भी तो हो सकता है, लेकिन अगर ज्यादा पुराना नहीं है, लगभग 2-4 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, तो उस सिचुएशन में आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका मोबाइल फोन क्यों हैंग कर रहा है या फिर किस रीजन से आपका मोबाइल फोन ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, तो आपको पता जरूर लगाना चाहिए। ये भी एक पॉइंट नोट कर लेना। चौथा पॉइंट दोस्त, अगर होता क्या है कि आपका मोबाइल फोन किसी ने हैक कर लिया है, तो उस सिचुएशन में आपका जो मोबाइल है वो काफी ज्यादा हीट करेगा। अब क्यों करेगा वो भी मैं आपको रीजन बता देता हूं। देखिए, होता क्या है कि आपका मोबाइल फोन किसी ने हैक कर लिया और आप अपने मोबाइल फोन को यूज भी नहीं कर रहे हो, रखे हुए हो अपने मोबाइल को अपने पॉकेट में या फिर कहीं पर भी, लेकिन दूर बैठा हैकर्स आपके मोबाइल फोन में काफी सारा वर्क कर रहा है, कुछ भी कर रहा हो लेकिन कर जरूर रहा है, चाहे आपके मोबाइल से इंपॉर्टेंट डेटा को कॉपी करके अपने सर्वर पर ला रहा हो या फिर कुछ और काम करवा रहा हो आपके मोबाइल फोन के थ्रू, तो उस सिचुएशन में आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में कोई ना कोई ऑपरेशन चलते रहता है, होते रहता है, मेरा मतलब कोई ना कोई एप्लीकेशन, कोई ना कोई वर्क चलते रहता है, तो उस सिचुएशन में आपका मोबाइल फोन बहुत ज्यादा हीट करेगा, ठीक है। मतलब कि अगर आप मोबाइल को इस तरीके से टच करोगे ना, तो आपको लगेगा कि आपकी उंगली जल गई, ऐसा हीट करेगा, और आप समझ जाना कि आपका मोबाइल फोन काम कर रहा है, कोई दूर बैठा इंसान आपके मोबाइल फोन को बिल्कुल ही आसानी से कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद और भी नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर आप एक और बात नोटिस करना कि अगर आपके मोबाइल फोन में जो भी आप सिम वगैरह यूज करते हो, जिस भी ऑपरेटर का, तो आप नेट अवश्य चलाते होंगे, तो आप देखना कि अगर आपने कुछ भी वर्क नहीं किया है, ना कोई अपडेट किया है, ना ही कोई इंस्टॉल किया है एप्लीकेशन को, और ना ही आपने यूट्यूब वीडियो देखे हैं, किसी भी प्रकार का सर्च भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, या फिर अगर आपने सारा काम किया भी है तो आपने चेक कर लिया था कि इतना डेटा समाप्त हुआ है और इतना डेटा बचा हुआ है, तो उसके बाद आप जब थोड़ा देर के बाद देखते हो तो वो भी डाटा आपको नहीं मिलेगा। मेरा मतलब मान लो आपने से 600 MB समाप्त कर लिया था, लेकिन अभी भी आपको 900 MB बचा हुआ था, लेकिन आपने थोड़ा देर के बाद देखा तो वो 900 MB भी आपको नहीं मिला, यानी कि 1.5 GB पूरा का पूरा समाप्त तो हो चुका था। तो ये भी सोचने वाली बात है कि ये कैसे पॉसिबल हो गया, ठीक है। तो दोस्त, ये पॉसिबल तब हो सकता है जब आपका मोबाइल फोन कोई हैक कर ले और कुछ ना कुछ आपके बैकग्राउंड में करवा रहा हो, आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड में, या फिर फाइल इधर से उधर ट्रांसफर या रिसीव करवा रहा हो, कुछ भी करवा रहा हो, तो उस सिचुएशन में आपकी जो नेट है ना वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका नेट डेली बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, और आप सोच भी पड़ोगे कि भाई ये क्या हो रहा है, तो आप समझ जाना कि आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है। अब यहां पर भी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप गारंटीड समझ जाना कि आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है, ये भी हो सकता है कि आपने ऑटो अपडेट का ऑप्शन इनेबल कर रखा हो सेटिंग में जाकर के, ठीक है, या फिर आपने व्हाट्सएप के बैकअप वाले सेक्शन में जाकर के आपने ऑटो वाला सेक्शन सेलेक्ट कर रखा होगा, तो उस सिचुएशन में अगर अपडेट होगा या फिर किसी भी प्रकार का बैकिंग होगा, बैकअप होगा, तो आपसे परमिशन नहीं मांगेगा, ऑटोमेटिक ये सारा काम हो जाएगा और उस सिचुएशन में आपका नेट समाप्त होगा ही होगा, तो ये भी आप चेक कर लेना, उसके बाद ही आप पता कर सकते हैं कि आपका मोबाइल फोन हैक भी है या नहीं, ठीक है। तो इन सारी बातों को आप हमेशा ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के ये कहूँ कि अगर मान लो एक नॉर्मल इंसान को आप देखते हो, ठीक है, और वही इंसान कोई अगर शराब पी ले, तो दोनों का चाल चलन देखो, दोनों का आकाश जमीन का अंतर हो जाता है। उसी तरीके से अगर एक नॉर्मल मोबाइल फोन आप लेते हो और कोई मोबाइल फोन हैक हो जाता है, तो आप दोनों में डिफरेंस देखो, बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा। नॉर्मल मोबाइल फोन का जो चाल चलन है वो काफी नॉर्मल रहेगा, और जो मोबाइल फोन हैक हो चुका है उसका जो चाल चलन है, यानी कि नेचर कह लीजिए उसको, उसका बहुत ज्यादा अंतर होता है, ऑटोमेटिक सब कुछ करता है बेवजह
गाली गलौज तो नहीं करता, मतलब बेवजह आपको कुछ ना कुछ करके दिखाएगा आगे में, ठीक है। तो आप समझ जाना आपका मोबाइल फोन 100% हैक हो चुका है। तो दोस्तों 2022 में इसी तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपका मोबाइल फोन किस तरीके से हैक भी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। उसके बाद अब मान लो आपका मोबाइल फोन हैक हो गया तो क्या करोगे, क्या करोगे उससे बचने के लिए? कुछ तो करोगे ना भाई, मोबाइल फेंक दोगे? नहीं ना भाई, 20,000 का, 25,000 का, 50,000 का मोबाइल आपके पास होगा, फेंक तो नहीं दोगे। लेकिन एक काम आप जरूर करोगे, उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल फोन को पूरी तरह से फॉर्मेट मार देना है। जी हाँ, फॉर्मेट मतलब कि पूरी तरह से फॉर्मेट मार देना है, डिलीट कर देना है सारे फाइल्स को। काफी सारे लोग क्या करते हैं कि अपने मोबाइल फोन को फॉर्मेट मार करके और फिर से वही सेम अकाउंट, यूजर नेम, सब कुछ वगैरह वगैरह लॉगिन कर लेते हैं। इससे फायदा नहीं होगा यार, फिर आपका मोबाइल फोन हैक हो जाएगा। आपको क्या करना है कि आप अपने मोबाइल फोन को पहले फॉर्मेट मार दीजिए, ठीक है, ध्यान देना, आप अपने मोबाइल फोन को फॉर्मेट मार दीजिए। उसके बाद आप कुछ अनसेंट फाइल, जैसे कि गूगल से या फिर क्रोम से या फिर कहीं से भी कुछ इमेज या फिर कुछ ऐसे ऐसे डेटा डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद फिर से आप दोबारा फॉर्मेट मार लीजिए। इससे होता क्या है कि अगर मान लो कोई इंसान, कोई हैकर्स आपके मोबाइल को दोबारा से हैक करना चाहे, तो अगर वो हैक कर भी लेता है तो उसके पास आपका ओरिजिनल डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब कि उनको वही फाइल से मिलेंगी जो आपने बाद में गूगल से, क्रोम से इंस्टॉल किया था और फॉर्मेट किया था, आपका ओरिजिनल डेटा उनको नहीं मिलेगा। वैसे अगर आप फॉर्मेट मार करके सिर्फ छोड़ देते हो तो आपका फाइल कुछ ना कुछ रह ही जाता है आपके मोबाइल फोन में, उसके बाद वो कॉपी कर लेते हैं और आपको ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन हाँ दोस्त, फॉर्मेट मारने से पहले आपका जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स है, डेटा है, जो भी है, उसको आप कॉपी करके रख लेना कहीं ना कहीं, वरना आपको आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का सवाल या डाउट या कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पर दिख रही होगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर भी जाकर फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए और अपना सवाल रखिए। तो आज बस इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्त आज की यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ या फिर जहां पर भी हो सके यार शेयर करना मत भूलना, ताकि और भी लोग इस टॉपिक की रिगार्डिंग जानकारी ले सके और अपने मोबाइल फोन को हैक होने से बचा सके। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस नॉलेजेबल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।